एक गांव में धर्मेश और माला एक छोटे से घर में हंसी खुशी रह रहे थे। उनका कोई बच्चा नहीं था और बस इसी बात का दुख हमेशा माला को सताता रहता था। एक दिन जब माला को घर में अकेले अच्छा नहीं लग रहा होता तो वो थोड़ी देर के लिए बाहर घूमने चली जाती है। चलते चलते वो काफी आगे निकल जाती है। वहाँ उसे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। अरे, ये आवाज कहाँ से आ रही है? माला ढूंढते ढूंढते उस बच्चे तक पहुँच जाती है। बच्ची माला को देखकर चुप हो जाती है और मुस्कुराने लगती है। माला उस बच्ची को देखती रह जाती है। वो बच्ची बड़ी ही खूबसूरत होती है और उसके सुनहरे बाल तो उससे भी ज्यादा सुंदर होते हैं। कितनी प्यारी बच्ची है और इसके बाल कितने सुनहरे हैं। पता नहीं ऐसी बच्ची को छोड़कर इसके माँ बाप कहाँ चले गए। एक काम करती हूँ, क्यों ना इसे मैं ही अपने घर ले जाऊँ। माला उस बच्ची को घर ले आती है। धर्मेश जब काम से आता है तो माला उसे उसी बच्ची के बारे में सब बताती है। धर्मेश और माला उस बच्ची को अपने पास रख लेते हैं और उसका नाम सुनहरी रख देते हैं। माला सुनहरी को बड़े प्यार से पालने लगी। वो सुनहरी को इतना प्यार करती है कि उसे किसी चीज की कमी नहीं होने देती। हर कोई सुनहरी को देखकर तरह तरह की बातें करने लगा था। अरे, ये माला जाने कहाँ से किसकी लड़की ले आई है, मैंने पूछा तो बोलती है ये मेरी बेटी है। हाँ, पता नहीं किसकी बेटी को अपनी बेटी बोलकर पाल रहे हैं। धर्मेश और माला को किसी की बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो बस सुनहरी के साथ बड़ी खुशी से रह रहे थे। उनकी जिंदगी बड़ी ही हंसी खुशी बीत रही थी और धीरे धीरे सुनहरी 4 साल की हो जाती है। पर एक दिन उनके घर में एक हादसा हो जाता है। जब माला घर में खाना बना रही होती है तो जाने कब कैसे उसके पल्लू में आग लग जाती है। माला बुरी तरह चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ, मैं जल गई, कोई मुझे बचाओ। माला के चिल्लाने की आवाज से सुनहरी भागते हुए अंदर आती है। सुनहरी अपनी माँ को ऐसे आग में जलते देख हक्की बक्की रह जाती है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और उसके लंबे सुनहरे बाल हवा में उड़ते हुए ऐसे चमकने लगते हैं जैसे दुनिया भर की रोशनी उसके बालों में हो। सुनहरी का रूप बदलने लगता है, पर इतने में पीछे से धर्मेश आता है और सुनहरी को एक तरफ धक्का देकर माला के ऊपर पानी डालता है। आग बुझ जाती है और सब ठीक हो जाता है। सुनहरी भी वापस ठीक हो जाती है, पर जो माला और धर्मेश ने उस दिन देखा होता है वो बहुत घबरा जाते हैं। रात को दोनों इस बारे में बात कर रहे होते हैं। आज मुझे समझ आया कि सुनहरी आग को देखकर अजीब क्यों होती है। उसके बालों में आग समान लगती है और जितनी तेज आग हो उसका रूप उतना अजीब होने लगता है। आज तो वो चुड़ैल लगने लगी थी, पर आप सही वक्त पर आ गए। पर हम अब क्या करें, ये बच्ची एक चुड़ैल है, अब हम इसे घर में कैसे रख सकते हैं? नहीं नहीं, वो मेरी बेटी है, मैं उसे अपने से अलग नहीं करूंगी। और उसने आज तक कभी कुछ ऐसा नहीं किया, आज भी उसने मेरी जान बचाई है। वो दूसरी चुड़ैलों जैसी नहीं है, हम उसे कहीं नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, पर अब हमें इसे आग से बिल्कुल दूर रखना होगा, वरना गांव वालों को इसका सच पता लग गया तो वो इसे जान से भी मार सकते हैं। ये सुन माला बहुत डर जाती है। उसके बाद वो सुनहरी को हमेशा आग से दूर रखती है। लोगों को सुनहरी उसके बालों और थोड़े अलग बर्ताव की वजह से पहले ही खटकती है, और अब जब से माला उसका सच छुपाने के लिए उसे सबसे दूर रखने लगती है तब से लोगों को और अजीब लगने लगता है। ऐसे ही सालों बीत जाते हैं। सुनहरी बड़ी हो चुकी होती है। वो बिल्कुल आम लड़कियों की तरह अपने माँ बाप के साथ रह रही होती है। उसे खुद नहीं पता होता कि वो एक चुड़ैल है। एक दिन वो अपने माँ बाप से बोलती है, आप मुझे हमेशा दूसरों के घर जाने को मना क्यों करते रहते हो, मुझे भी अपनी सहेलियों के साथ जाना है। नहीं नहीं, सब लड़कियां बेकार हैं, तुम यहीं घर में रहा करो। माला को कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। एक दिन फिर होली का दिन आता है। गांव में होली का जलाई जा रही होती है। पूरा गांव वहां इकट्ठा होता है, पर हमेशा की तरह बस सुनहरी वहां नहीं होती। अरे माला, तुम हमेशा अपनी बेटी को छोड़कर क्यों आ जाती हो, उसे भी साथ लाया करो। वो घर पर पढ़ाई कर रही है। माला घर पर अकेली होती है, पर पीछे से उसकी सहेलियां उसे लेने आ जाती है। माला उनको जाने से मना करती है, पर उसकी सहेलियां नहीं मानती। वो माला को चुपके से ले जाती है। सुनहरी को होलिका के पास देखकर माला घबरा जाती है। वो सुनहरी पर गुस्सा करती है, तुम यहाँ क्यों आई, मना किया था ना। मेरी सहेलियां मुझे ले आई, मैं क्या करूं? जाओ अभी के अभी घर वापस जाओ। माला सुनहरी को जाने को बोल ही रही होती है कि सुनहरी की नज़र तेज जलती हुई होलिका पर पड़ जाती है। सुनहरी उस आग को देखकर वहीं के वहीं खड़ी रह जाती है। उसकी आंखें लाल और उसके बाल चारों तरफ लहराने लगते हैं और सुनहरी एक चुड़ैल का रूप ले लेती है। गांव वाले उसे देख चिल्लाने लगते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। कुछ ही देर में सारी आग सुनहरी के बालों में समा जाती है और सुनहरी को पता चल जाता है कि वो आम लड़की नहीं बल्कि एक चुड़ैल है।
अरे इन लोगों ने तो अपने घर में एक चुड़ैल को पाल रखा है। तभी अपनी लड़की को छुपा कर रखती थी, अब समझ आई सारी बात। अब हम इस चुड़ैल को यहाँ नहीं रहने देंगे, हमें इसे खत्म करना होगा। नहीं नहीं ऐसा मत बोलो, ये मेरी बेटी है, इसने कभी किसी का नुकसान नहीं किया। ये तो बस आग को देखकर ऐसी हो जाती है और इसके बाल इसलिए ही आग की तरह सुनहरे हैं। अरे चुड़ैल तो चुड़ैल होती है, हम इसे यहाँ नहीं रख सकते। मैं एक चुड़ैल हूँ? क्या सच में माँ मैं एक चुड़ैल हूँ? मैं आप लोगों जैसी नहीं हूँ। मेरी बच्ची तुम हमारी बेटी हो, बस चाहे कोई कुछ भी कहे। सब गांव वाले उनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। वो सुनहरी को रस्सी से बांधकर एक कमरे में बंद कर देते हैं। वो वहां से ना निकल पाए इसलिए घर के चारों तरफ वो एक पंडित से उस घर पर पूजा करवा देते हैं। सुनहरी हर वक्त उस घर की एक छोटी सी खिड़की से झांकती रहती है और अपने माँ बाप को पुकारती रहती है। धर्मेश और माला को कोई भी सुनहरी के पास भी नहीं जाने देता था, लोग उसे खाने को भी नहीं देते थे। मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगी। मुझे तो खुद पता नहीं था कि मैं चुड़ैल हूँ, मुझे अपने माँ बाप के पास जाना है, मुझे जाने दो। कोई उसकी एक नहीं सुनता था और अमावस की रात को सब उसको हमेशा के लिए मारने की तैयारी कर लेते हैं। धर्मेश और माला को उनके घर में बंद कर दिया जाता है ताकि वो सुनहरी को खत्म करने में रुकावट ना बने। अब अमावस की रात आ जाती है, सब गांव वाले इकट्ठे होकर सुनहरी को खत्म करने के लिए आ जाते हैं। वहाँ एक तांत्रिक भी आ जाता है जो अपने मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। नहीं नहीं मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मुझे अपने माँ बाबूजी से मिलने दो। कोई सुनहरी की बात नहीं सुनता। तांत्रिक अपना आखिरी मंत्र सुनहरी को खत्म करने के लिए बोल ही रहा होता है कि इतने में एक आदमी चिल्लाता हुआ आता है। अरे जल्दी चलो, गांव में आग लग गई है। आग कैसे? पास के जंगल से आग फैलती हुई यहाँ हमारे गांव तक आ गई है। सारी फसलें जल रही हैं और सबके घर भी। जल्दी चलो वरना सब बर्बाद हो जाएगा। सारे गांव वाले उस चुड़ैल को वहीं उस घर में बंद छोड़कर आग बुझाने भागते हैं। मुझे बाहर निकालो, इस आग को मैं ही बुझा सकती हूँ और कोई नहीं। कोई उसकी बात नहीं सुनता, बस सब लोग पानी ला ला कर आग बुझाने की कोशिश में लग जाते हैं। आग पूरे गांव में फैल जाती है, उसे बुझाना नामुमकिन होता है, कोई कुछ नहीं कर पा रहा होता। फिर एक छोटा बच्चा सुनहरी को खिड़की से पुकारते देखता है। सुनहरी दीदी, मैं आपको यहाँ से निकालूंगा, चाहे आपको सब लोग कुछ भी बोले, पर आप मेरे लिए वही सुनहरी दीदी हो जो मुझे रोज चीज देती थी। जल्दी करो छोटू, जल्दी बाहर निकालो मुझे। वो बच्चा बिना डरे चुड़ैल को आजाद कर देता है। चुड़ैल भागती है और गांव के बीच खड़ी हो जाती है। उसका भयानक रूप और भयानक हो जाता है, उसके बाल चारों तरफ फैल जाते हैं और गांव की आग को खुद में समाने लगते हैं। धीरे धीरे सारी आग बुझने लगती है और सुनहरी के बाल और तेज चमकने लगते हैं। सुनहरी पूरे गांव की आग बुझा देती है और सबको बचा लेती है। इतने में धर्मेश और माला भी वहां आ जाते हैं। तुमने हमें बचा लिया, वरना सब बर्बाद हो जाता। तुम्हारा हम पर बहुत बड़ा एहसान है, पर तुम यहाँ की नहीं हो, तुम्हें हम सबकी भलाई के लिए यहाँ से जाना ही होगा। ठीक है, मैं किसी को तकलीफ नहीं देना चाहती, इसलिए मैं यहाँ से चली जाऊंगी जहाँ से आई हूँ। नहीं बेटी, तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। सुनहरी को सबको छोड़कर वहाँ से जाना पड़ता है। वो बड़े ही दुखी मन से गांव छोड़कर जाने लगती है, पर तभी तांत्रिक उसे रोकता है और माला को जल्दी एक कैंची लाने को बोलता है। माला जल्दी से घर जाती है और एक कैंची लेकर आती है। उसके बाद तांत्रिक सुनहरी के लंबे बालों को पकड़ता है और काट देता है। बाल काटते ही सुनहरी पहले जैसी हो जाती है, उसके कटे हुए बाल अपने आप जलकर राख हो जाते हैं और उसके सुनहरे बाल बिल्कुल काले हो जाते हैं। अब ये कोई चुड़ैल नहीं रही, अब ये हमारे जैसी हो गई है। सुनहरी और उसके माँ बाप को इस बात की बड़ी खुशी होती है। अब सुनहरी आम लड़कियों की तरह सबके साथ रहने लगती है।